ये 10 तरीके आपको आज से डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। जो भी आप उद्देश्य लिख लो, आज अपनी जिंदगी का कुछ भी उद्देश्य लिख लो, अगर ये 10 तरीके आपने अपनी जिंदगी में डाल लिए, ये जो भी आपका उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा। सफलता 100% आपकी होगी, बट आप में 1% भी डीमोटिवेशन नहीं आएगा। कि आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते अगर आप 10 ये तरीके जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 10 टेरिफिक सेल्फ मोटिवेशन मंत्रास, कि ये 10 तरीके हैं जो आपको आगे 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 बढ़ाएंगे। ये कौन से 10 तरीके हैं, चलिए इनके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कौन से 10 तरीके हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खैर पहले के ऊपर बाद में बात करेंगे, बिलीव इन रिवॉर्ड्स। कि नो वन कैन मोटिवेट एनी वन टू डू एनीथिंग, ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नो वन कैन मोटिवेट एनी वन टू डू एनीथिंग, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। ऑल अ पर्सन कैन डू फॉर अनदर, एक व्यक्ति दूसरे के लिए केवल इतना कर सकता है कि प्रोवाइड देम विद इंसेंटिव, कि उसे कुछ इंसेंटिव यानी कि गिफ्ट दे सकता है टू मोटिवेट देमसेल्स, उसको पुश करने के लिए, कि उसका उद्देश्य जो है हम उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, इंसेंटिव देते हैं जिसके कारण वो आगे बढ़ना चाहता है। मुझे एक बात बताओ, वेस्टीज ने ये लेवल जो रखे, एक लाइन पे सिल्वर डायरेक्टर, दो लाइन पे गोल्ड डायरेक्टर, चार पे डायमंड, ये क्यों रखे, ये क्यों रखे? एब्सोल्युटली, तो क्या कि आप मोटिवेट रहो आगे 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 बढ़ने के लिए। कि सिल्वर डायरेक्टर बन गए, आप सिल्वर डायरेक्टर के बाद क्या मोटिवेशन है, अब मुझे गोल्ड बन, गोल्ड के बाद क्या मोटिवेशन है, मुझे स्टार बनना है, कि मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, और जैसे ही वो लेवल, मैं 3 लाइनें ब्रेक करूंगा, मुझे लेवल मिलेगा स्टार डायरेक्टर, मेरी इनकम बढ़ेगी। ये एक इंसेंटिव है, ये केवल एक इंसेंटिव है जो आपको पुश करता है कि आप और आगे और आगे और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला कि हमें करना क्या है, एक खास चीज करनी है, अपने दिमाग को ट्यूनिंग, अपने दिमाग की ट्यूनिंग करनी है। डू नॉट बी कंफाइंड, डू नॉट बी कंफाइंड, बी विलिंग टू लीव योर कंफर्ट जोन। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे पास यह है, कंफर्टेबिलिटी, कंफर्ट। अरे दीपक जी, मेरे पास गाड़ी होगी तभी मैं प्लान दिखाने जाऊंगा। अरे दीपक जी, अगर मेरे पास कम से कम 100 लोग बैठे होंगे तभी मैं आप लोग आऊंगा मीटिंग करने के लिए, वरना मेरे पास टाइम नहीं। या कुछ भी अलग अलग प्रकार की चीजें, कंफर्ट, एक ही कंफर्ट जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सर्दी हुई तो सुबह 10 बजे तक हमने निकलना नहीं, रजाई में हम लोगों ने आराम से बैठना है, कंफर्ट है ना, राइट? हम कंफर्ट को लीव नहीं करना चाहते। गर्मी है, एसी क्यों नहीं चल रहा, अगर जरा सा एसी बंद हो गया, अरे यार क्या यार कहां फंसा दिया यार, एसी भी नहीं चलता। अरे लंच, अरे यार क्या थर्ड क्लास लंच खिला दिया यार आज दिवाकर, क्या है यार। कंफर्ट कितने अलग अलग चीजों में, पूरे दिन सोच के देखिए कि हर चीज में हम कंफर्ट ही तो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते नहीं ढूंढते, हर चीज में कंफर्ट, हर चीज में। बेड पे लेटे तो गद्दा सही होना चाहिए, ब्लैंकेट सही होना चाहिए, तकिया सही होना चाहिए, अरे ये कैसा तकिया है यार, ये तो बेकार है, तकिए तक में भी कंफर्ट है हमारे पास। नींद बेस्ट तभी आएगी जब अच्छी सही चीज हमारे को, बेस्ट बेड मिलेगा। दोस्तों, द ग्रेटेस्ट बैरियर टू अचीविंग योर पोटेंशियल इज योर कंफर्ट जोन, द ग्रेटेस्ट बैरियर। बैरियर क्या होता है? एब्सोल्यूटली, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है आपका कंफर्ट, सबसे बड़ी रुकावट वो केवल कंफर्ट होता है, द ग्रेटेस्ट बैरियर जो आपको आगे आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि आप एक वर्ड के अधीन हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कंटेंट, कंटेंट यानी कि आपकी इच्छाएं खत्म, बहुत है, ठीक है, अरे यार चल रहा है ना, बस। दोस्तों, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन यू मेक फ्रेंड्स विद योर डिसकंफर्ट जोन, इफ देर इज अ पेन देन देर इज अ गेन। कि पेन, दर्द नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर 9 साल के थे तब उन्होंने बैट उठाया, घंटों 18 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे,
बोल्ट के बारे में मैंने बताया अभी कि 18 साल वो भागते रहे, या कितने लोग जिनकी भी आज हम यहां बात करेंगे, वो कितने लोग ऐसे होंगे जो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कितने घंटे पसीना बहाते हैं, तब जाके वो अपने आप को निखार पाते हैं। ऐसे ही होता है ना। और वो उनको क्या जरूरत पड़ी है, सचिन तेंदुलकर महान बैट्समैन या विराट कोहली महान बैट्समैन, आज भी जिम में तकरीबन 6 घंटे वो व्यतीत करता है आज भी। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, सफलता पाना बहुत आसान है, सफलता पाना बहुत आसान है, बट सफलता को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। कि एक लेवल तो पा लिया, डायमंड बन गए, क्राउन बन गए, डबल क्राउन डायरेक्टर बन गए या यूसीडी बन गए, बट एवरी मंथ उसे मेंटेन करना दिक्कत होती है या नहीं होती है? एब्सोल्युटली। और वो तभी तभी बरकरार रहेगा जब स्वेट करोगे, पेन लोगे, डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बना लोगे, ये नहीं सोचोगे कि आपको ये सारी लग्जरी चाहिए, बट हां ये लग्जरी नहीं भी है तब भी मुझे आगे बढ़ना है। डिस्कंफर्ट जोन, मुझे अपने अपने आप को डिस्कंफर्ट जोन में रखना है, मेरे को पेन सबसे ज्यादा लेनी है, जितना मैं पेन लूंगा उतना ज्यादा मैं आगे बढ़ूंगा, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग को ऐसा ट्यून करके रखना। मुझे आज भी याद है, मैं कानपुर में एक ट्रेनिंग कर रहा था, तो जब कानपुर में ट्रेनिंग करने गया तो जो हॉल था उसका एसी बंद हो गया, और मेरे ख्याल से जून का महीना था, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, और सारे लोग अपनी जैकेट वैकेट उतार के सारे रख रहे और कह रहे सर क्या यार बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते सर बड़ी गर्मी है। मैंने कहा मुझे तो ठंड लग रही है। कहते सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, हकीकत है, मुझे तो ठंड लग रही है, मैं जैकेट नहीं उतारूंगा। और 4 घंटे मैं बिल्कुल ऐसे ही सूट में मैंने पूरी की पूरी ट्रेनिंग की। लोग कह रहे, मैंने कहा सर मेरे को तो एक पसीना भी नहीं आ रहा। इट्स प्योरली वन थिंग, ट्यूनिंग ऑफ योर माइंड। ये केवल एक चीज है, ये केवल यहां पे है और कहीं नहीं है। ये डिस्कंफर्ट, लोगों को तो मेहनत करने में भी बहुत मजा आता है, आता है या नहीं आता? एब्सोल्युटली। हमें वो बनना है, हमें डिस्कंफर्ट में रहना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लग्जरी ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा ऑडी नहीं लेनी है, तो दीपक जी ऑडी नहीं लेनी लग्जरी में आती है, नो, वो एक ऐलान करना है कि भाई मैं अपनी मेहनत से ये कमा सकता हूं, ये लग्जरी मैं अपनी मेहनत से कमा सकता हूं, और डिस्कम्फर्ट को हमें अपना दोस्त बनाना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को ट्यून करना है, और डिस्कम्फर्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके को हमें गले